ओके जी, देखो अब गार्डन बी जो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर था उसको क्रॉस पॉलिनेशन उसका कैसे कराया? गार्डन बी का जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल क्या है वो सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें, वो पहला चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूँ। सो जो गार्डन बी है बच्चों, गार्डन बी में होता तो सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया था मेंडल ने। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था उसमें, कैसे कराया? गार्डन बी में मेंडल डिड क्रॉस पॉलिनेशन। हाउ? बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। अगर तुमने सेकंड चैप्टर सही से पढ़ा है क्लास 12 का, जो मेरा बॉटनी का टॉपिक है, तो बॉटनी का मैम ने पढ़ाया होगा, तो वहां पे एक टॉपिक होगा इमेस्कुलेशन। अगर तुमको मालूम है क्या करते हैं वहां पे, जैसे कि ये फ्लावर है, फ्लावर में मेल पार्ट है स्टेमेन है और ये मान लो कार्पेल है फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को काट करके अलग कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या हो गया? हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन। तो अगर मैं इमेस्कुलेशन कर दूं इसका तो मतलब क्या, मेल फ्लावर हट गया, मेल पार्ट हट गया, तो गार्डन बी क्या हो? गार्डन बी में अभी सिर्फ उस फ्लावर में क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है, मेल पार्ट तो मैंने काट के हटा दिया। अब दूसरा फ्लावर का अगर कोई मेल पार्ट है तो उसी से पोलन ग्रेन आना पड़ेगा इसके पास, क्योंकि इसका खुद का तो मेल वाला पार्ट हट गया। तो दिस इज हाउ, अब क्या हो गया, देखो दो दो दूसरे, दिस इज प्लांट नंबर टू, दिस इज प्लांट नंबर वन, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। क्या हुआ है? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अगर इसका ही मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट को बचता, अब इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये सब क्लास सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का टॉपिक जानना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है, ठीक है। तो मेंडल ने इस प्रकार से, जहां जहां मेंडल को हाइब्रिड क्रिएट करना था, जहां जहां मेंडल को दो अलग अलग प्लांट को क्रॉस कराना था, वहां पे उसने इमेस्कुलेशन करा दिया। मेंडल ने क्या किया? इमेस्कुलेशन कराया, ठीक है, मेल पार्ट को हटा दिया तो फीमेल फ्लावर बन गया। अब दूसरे का मेल पार्ट से वो काम कर देगा। ओके, अब मेंडल के काम पे आते, व्हाट वाज द मेंडल्स वर्क, व्हाट वाज मेंडल्स वर्क। सो मेंडल का जो वर्क था, मेंडल डिड टू एक्सपेरिमेंट्स मोटे मोटे तौर पे, एक्चुअली तीन चार भी क्या होगा, हमारे सिलेबस में दो है। वन इज नोन एज वन जीन इंटरैक्शन। मेंडल के टाइम में जीन का बात आता नहीं था, तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते थे। मोनो मतलब वन, हाइब्रिड मतलब वन डिफरेंट कैरेक्टर का क्रॉस। बाद में पता चला ना ये तो जीन है, ठीक है, बाद में पता चला, इसलिए नाम अभी देने, अभी तो हम लोग 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं भाई, 2020 में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जीन का वर्ड यूज कर रहे हैं, बट अदरवाइज मेंडल के टाइम में तो वी कॉल्ड इट, दिस कॉल्ड इट एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे एक जीन का स्टडी किया गया, बताऊंगा कैसे क्या एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद टू जीन इंटरेक्शन, जहां पे दो हाइब्रिड कैरेक्टर का, दो अलग अलग कैरेक्टर का एक साथ स्टडी किया गया। सो टू हाइब्रिड, सो टू जीन, सो वी कॉल इट अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, टू जीन इंटरेक्शन, या फिर बोलो तुम डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल का दोनों काम था। अभी हम लोग को एक एक करके देखना है, हम लोग को अभी एक एक करके देखना है, ओके, कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या देख, क्या पढ़ना है, क्या किया गया था, क्या बोला गया था, ये सब चीजें हमको देखना है। क्या कैरेक्टर्स है, जो मैंने बोला था ना सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, भाई क्या क्या है, ये सब एक एक करके हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हेडिंग डाल लेना इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही हाइब्रिड मतलब एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखेंगे हम लोग, या तो हाइट देख लिया या फिर शेप देख लिया, कुछ भी देख लिया, अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय में एक ही कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना, इसलिए नाम भी क्या है, मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। अब सुनो,
जो ट्रेट एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। जैसे मान लो ये ब्लैक कलर है और मान लो व्हाइट कलर है, बच्चा जो हुआ इनका वो ब्लैक कलर का बच्चा हुआ, तो कौन एक्सप्रेस किया बच्चे में, ब्लैक किया व्हाइट किया? ऑब्वियसली ब्लैक किया, तो ब्लैक को हम लोग बोल देंगे डोमिनेंट ट्रेट और व्हाइट को हम लोग बोल देंगे रिसेसिव ट्रेट। जो भी चीज ऑफस्प्रिंग में दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट मतलब पता है डोमिनेट करता है, रिसेसिव मतलब जो दबा हुआ है, एक दबा रहा है दूसरा दबा हुआ है, ठीक है, एक अपना दादागिरी दिखा रहा है और दूसरा दादागिरी से चुपचाप बैठा है, भाई हमको डर लगता है आपसे अब दूर रहो। ओके, नाउ मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चूज किया, मैं थोड़ा स्क्रीन को ऐसा कर लेता हूं ताकि जगह हो जाए। हाँ, तो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया, ठीक है, कैरेक्टर कौन सा सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया भाई, उसमें डोमिनेंट कौन है और उसमें रिसेसिव कौन है, डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है? ओके, सबसे पहला कैरेक्टर इट वाज हाइट। हाइट में डोमिनेंट होता है टॉल, जो लंबा होता है टॉल, ओके, टॉल इज द डोमिनेंट इन केस ऑफ हाइट, और रिसेसिव में होता है ड्वार्फ या शॉर्ट, ठीक है। ये मटर के कॉन्टेक्स्ट में है बच्चों, मटर के कॉन्टेक्स्ट में, सभी जानवरों पे ये लागू मत कर देना। सीड शेप, उस मटर का सीड का शेप कैसा था, तो उसमें जो डोमिनेंट है जो बच्चों में एक्सप्रेस होता था पहला जेनरेशन में, डेट इज राउंड, और जो नहीं हो पाता था वो था रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब कुछ ऐसा, ये राउंड रिंकल्ड, वो रिंकल्ड शेप। उसके बाद कलर का ले लो, सीड कलर, सीड कलर में जो डोमिनेंट था बच्चों वो था येलो, डोमिनेंट सीड कलर वाज येलो, ग्रीन इज द रिसेसिव वन, हरा रंग का सीड जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव कैरेक्टर है। देन पॉड का शेप, पॉड जानते हो ना, जिसके अंदर मटर का वो रहता है ना, ये जैसे इसके अंदर ऐसा मटर रहता है, तो ये पॉड है बच्चों, ये पॉड है, तुम लोग तो छिला भी होगा मटर उटर घर पे, माँ का हाथ बताया होगा, राइट। तो पॉड का जो शेप है बच्चों, पॉड का जो शेप है, जो तुम्हारा अच्छा कैरेक्टर है, तुमने देखा होगा मटर छिलते थे, कुछ कुछ पॉड मोटा होता है और कुछ एकदम चपटा होता है, सो वही है इन्फ्लेटेड फुलावा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और रिसेसिव वाला जो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड दैट इज पॉड शेप। पॉड कलर में क्या आएगा, पॉड कलर सीड कलर का उल्टा है, मतलब सीड कलर में येलो डोमिनेंट है ना, तो पॉड कलर में येलो रिसेसिव है, पॉड सीड कलर में ग्रीन रिसेसिव था, यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट हो जाएगा। तुमने मटर छिलते वक्त भी देखा होगा कुछ कुछ येलो येलो बीच में आता होगा, अगर आई डोंट नो तुम लोगों ने क्या की नहीं घर पे, क्या होगा तो जरूर पता होगा, ठीक है। कितना कैरेक्टर्स हो गया, 1 2 3 4 5 और दो चाहिए ना, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, तुम लोग नीचे लिखना, तुम लोग के लिए जगह इधर होगा, नीचे होगा, तुम लोग तो कॉपी में लिख रहे हो, तुम लोग का जगह नीचे हो जाएगा, और एक लिख देता, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह है। तो फ्लावर का कलर में जो डोमिनेंट देखा गया था, फ्लावर का कलर में डोमिनेंट देखा गया था वो था वायलेट कलर डोमिनेंट था, पर्पल बोल सकते हो, वायलेट या पर्पल, और रिसेसिव जो था वो व्हाइट कलर का फ्लावर रिसेसिव था, व्हाइट कलर का फ्लावर क्या था, रिसेसिव था। ओके, और एक रह गया फ्लावर का पोजीशन, मैं ऊपर लिख देता हूँ, हाइट को मिटा रहा हूं, तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है, तुम लोग नीचे लिखना। और एक कैरेक्टर क्या लिया था, फ्लावर का पोजीशन, तो फ्लावर का पोजीशन एक्सियल पोजीशन जो है along the axis, जैसे ये dominant trait था, और terminal position recessive था, कुछ कुछ जगह ऐसा था कि ये टहनी है तो end में flower बन रहा है, इस terminal मतलब end, ठीक है, terminal में अगर बन रहा है तो that is the recessive character,
So these were the 7 pairs of contrasting characters that was observed by Mendel. ठीक है, 7 pairs of contrasting characters में यही था जो Mendel ने observe, Mendel ने जो characters consider किया था actually. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते next. Mendel ने अपने experiment के बाद ये कहा था कि Mendel said some factors, अभी हम लोग क्या बोलते हैं इस फैक्टर को, नाउ नोन एज जीन, नाउ जीन, नाउ इट इज, हम लोग फैक्टर नहीं बोलते, हम लोग अभी जीन बोलते हैं. Mendel अपने समय में अपने नॉलेज के हिसाब से बोल रहा था. He said some factors passed on from one generation to another. ठीक है, आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर जीन है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करता है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एलील. एलील का मतलब भी याद रखना, ये भी कभी कभार पूछ लेता है. एलील का लिख लो डेफिनेशन, कभी कभार वन मार्क का पूछ सकता है. एलील का मतलब है वो जीन कोडिंग फॉर, व्हाट इज जीन वगैरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी पढ़ेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में तो हम लोग प्रिंसिपल्स के लेवल पे पढ़ रहे हैं, वहां पे तो डिटेल में होगा. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एलील. यस, तो एलील्स आर जीन कोडिंग फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर. ये कभी कभार पूछ लेता डेफिनेशन, तो जानना चाहिए तुम लोगों को. ठीक है, जानना चाहिए. ओके, एलील का डेफिनेशन एनसीईआरटी में है क्या? हाँ है, एक जगह तो है. ठीक है, अच्छा अभी देखो, ध्यान देना. एलील्स जो है ये दो कंडीशन में एक्सप्रेस होता है. एलील्स आर एक्सप्रेस इन टू कंडीशन, एक्सप्रेस्ड इन टू कंडीशंस. व्हाट आर दोस कंडीशंस? वन इज नोन एज द होमोजाइगस कंडीशन, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. मतलब जैसे मैं हाइट का बात कर लूं, तो हाइट में होमोजाइगस कैपिटल डी कैपिटल डी, देखो दोनों सेम लिखा है मैंने, कैपिटल डी लिखा है. ये होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, सेम सेम वे में एक्सप्रेस हुआ है वो, टी और टी. अगर मैं बोलू स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी है, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस का मतलब है अगर मैं बोलू कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस. हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट. क्लियर है? बाकी एक्सपेरिमेंट करूंगा और समझ में आएगा, वन जीन इंटरेक्शन में करूंगा और समझ में आएगा. उसके बाद और कुछ टर्म समझो, जैसे एक टर्म है जीनोटाइप और एक टाइम एक टर्म है फिनोटाइप. क्या होता है इसका मतलब? जीनोटाइप का मतलब है कि जेनेटिक फीचर, जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है. क्या बोला मैंने? जीनोटाइप का मतलब है इट इज द जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है. जैसे मैं बोलू कि जेनेटिक मेकअप, इसको हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप. जैसे जीन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल डी, अभी अभी दिखाया ना एलील का, कैपिटल डी लिख दू, या कैपिटल डी स्मॉल टी लिख दू, या फिर स्मॉल टी लिख दू, ये जीन्स है, ये इसका जेनेटिक मेकअप है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो इसको हम लोग बोल देंगे जीनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब है जो हमको आंखों से दिखता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो का मतलब ही होता है ऑब्जर्वेबल, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमको आंखों से दिख रहा है. जैसे मैं बोल दूंगा टॉलनेस, लंबाई, या फिर ड्वार्फनेस, हाइट कम होना, जो हमको आंखों से दिखता है. हमको क्या, जब हम लोग प्लांट में देखते हैं तो हमको क्या कैपिटल डी दिख रहा है क्या उसमें? नहीं, वो तो उसका जीन्स में है, तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप. और जब मैं बोलूंगा कि मुझे तो ये टॉल दिख रहा है भाई, मुझे तो ये ड्वार्फ दिख रहा है भाई, तो वो हो गया फिनोटाइप. क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चल नेक्स्ट. हम लोग वन जीन वाला इंटरेक्शन पढ़ते हैं. वन जीन में मैं एनसीईआरटी वाला ही एग्जांपल लूंगा, मैं हाइट वाला लूंगा. हाइट वाला कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर किया है. हाइट में क्या क्या ट्रेट हो सकता है? या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा. ठीक है, पढ़ेंगे अभी इसी को, पढ़ेंगे वन जीन इंटरेक्शन को पढ़ेंगे.
हम लोग हाइट लेंगे, ठीक है? सो हेडिंग डाल लेना, वन जीन इंटरेक्शन, हेडिंग डाल लेना वन जीन इंटरेक्शन, ठीक है? हम लोग हाइट ले रहे हैं टॉल और ड्वार्फ, ठीक है? हम लोग ने क्या किया, देखो जब हम लोग जेनेटिक्स में जब हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, तो उसमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आता है। तुम मुझे टेबल देके बता हाइट में कौन डोमिनेंट है, टॉल है या ड्वार्फ है? मैंने लिखा दिया है टॉल है, ऑब्वियसली हमको मालूम है टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, ध्यान, नेक्स्ट पेज में करता हूं, फिर जगह नहीं, नहीं तो मैं इसको घुमा देता हूं। हाँ जी, तो हम लोग हेडिंग डाल दिया होगा इसलिए मैं मिटा रहा हूं। हाँ, देखो टॉल कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये टॉल है ऑब्वियसली, कैपिटल वाला कैपिटल डिनोट्स द टॉल वाला चीज, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर। स्मॉल टी लिया, दिस इज द ड्वार्फ वाला कैरेक्टर, ठीक है? क्लियर है? इससे क्या क्या एलील आएगा, इसको डिवाइड कर दो, क्या क्या एलील आ सकते हैं? कैपिटल टी ये टी टी अलग हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, गैमिट में तो ये आएगा, गैमिट में यही आएगा, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है इसके पास। ये और इसका जब मान लो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, इनके बीच में जब हुआ ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारा का सारा कैपिटल टी स्मॉल टी। सुनो कुछ कुछ टर्म्स क्लियर करना, जैसे ये वाला जो जनरेशन है, जो माँ बाप वाला जनरेशन है ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, शॉर्ट में पी लिख देते हैं, पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि माँ बाप है। पहला बच्चा ये सब पैदा हुआ, सब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एफ वन जेनरेशन। क्या कहते हैं इसको, पहला जेनरेशन को क्या बोलते हैं, एफ वन जेनरेशन, एफ वन का मतलब फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, क्लियर, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, लिखना है तो लिख लो, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। और क्या देखा गया फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में, मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑल वेर टॉल, देखो भाई यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, कैपिटल टी किससे आया था, टॉल वाले से आया था, और स्मॉल टी आया था ड्वार्फ वाले से, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, टॉल डोमिनेंट है, इसलिए जो कैपिटल टी वाला जो पार्ट है ना, वो स्मॉल टी के स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने दिया ही नहीं, बोला कि तुम भाई मेरे अंदर काम कर दो, तुम रिसेसिव कैरेक्टर हो, तुम चुपचाप बैठे रहो, तुमको मैं एक्सप्रेस होने दूंगा ही नहीं, तो प्लांट शॉर्ट होने देगा ही नहीं, मैं डोमिनेंट हूं भाई, टॉल हूं, मैं एक्सप्रेस करूंगा, तुम चुपचाप बैठा रहो, तो है स्मॉल टी है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मेंडल ने देखा, क्या देखा, कि सारे के सारे प्लांट्स क्या आए, टॉल आए, क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने किया सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब क्या, कैमरा निकाल के सेल्फी ले रहा है का? नहीं, सेल्फिंग का मतलब है कि वही प्लांट अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब एक प्लांट ले ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो पूरा प्लांट का कंपोजिशन है, मतलब मेल फ्लावर का भी यही है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल का भी यही है, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी करा रहा है, ये करा रहा है वो। अब ये कराने के बाद क्या हुआ, ये कराने के बाद मजेदार चीज हुआ, ये सेकंड जनरेशन आएगा, अब इनके बच्चे क्या बनेंगे, सेकंड जनरेशन बनेंगे, तो देखो तो इसका गैमेट में क्या आएगा, इसका गैमेट में या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा, इसका गैमेट में क्या आएगा, या तो कैपिटल टी आएगा या फिर स्मॉल टी आएगा। अब देखो भाई ये पापा है, ये मान लो पापा है, ये पापा वाला फ्लावर है, ये मम्मी वाला फ्लावर है, पापा वाला फ्लावर का ये इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, तो कैपिटल टी बन जाएगा ये और ये मिलके, और ये और ये मिलके क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। हम लोग कैपिटल को पहले लिखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको कैपिटल टी स्मॉल टी लिखूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, हम लोग बस कैपिटल को पहला लिखने पसंद करते हैं ना, हम लोग जो नाम भी लिखते हैं अपना, वी स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, राइट, चलो
उसके बाद हमको अगर ये और ये अगर क्रॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमको देखो बच्चे क्या क्या मिले, मैं येलो से दिखा रहा हूं। एक बच्चा मिला ये है एफ टू जेनरेशन, किसी को लिखना है फुल फॉर्म तो लिख लो, सेकेंड फिलियल जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन है ठीक है। सेकेंड जेनरेशन में हम लोग ने देखा कि ये तो भाई कैपिटल डी ठीक है, ये मिला कैपिटल डी स्मॉल डी ठीक है, ये और एक मिला कैपिटल डी स्मॉल डी ठीक है, और एक मिला स्मॉल टी ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन में मिला मेंडल को ठीक है। तो क्या मिला इसमें, क्या मिला इसमें, फिर से लिख के दिखाता हूं, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं जगह नहीं है बोल के। हम लोग को मिला एक कैपिटल टी एक कैपिटल डी स्मॉल टी, एक और कैपिटल डी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी ठीक है। अच्छा अब ध्यान से मेरा बात सुनो, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बताओ कि फिनोटाइप का रेशियो क्या है। फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो हम लोग आंखों से देख पाते, जो हम लोग आंखों से देख पाते। जब मैं इस प्लांट को आंखों से देखूंगा तो ये क्या होगा, कैपिटल टी क्या डिनोट करता है, टॉल, टॉल होगा। जब मैं इसको आंखों से देखूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉल दिखाता है और स्मॉल टी ड्वार्फ दिखाता है, लेकिन कैपिटल टी डोमिनेंट है भाई, वो अपना कैरेक्टर को दिखाएगा तो ये तो टॉल ही होगा, स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने देगा ही नहीं। नेक्स्ट सेम कहानी है भाई, ये भी टॉल होगा, स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने देगा ही नहीं। ये वाला जो है बच्चों, इसमें दोनों ही ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली ये ड्वार्फ होगा। टॉल वाला जीन आया नहीं ना, तो अब तो भाई दादागिरी करने के लिए गुंडा है नहीं, तो अपना वो गुंडाई करेगा ड्वार्फ। ओके सो टॉल 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 एंड ड्वार्फ। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब जो मुझे आंखों से दिख रहा है, मुझे आंखों से दिख रहा है कि ये वाला प्लांट जो है टॉल है, ये वाला प्लांट जो है टॉल है, ये वाला प्लांट जो है टॉल है, ये वाला प्लांट ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, तीन टॉल इस टू एक ड्वार्फ, सही की गलत। तो अगर एग्जाम में पूछे कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशियो है तुम्हारा 3:1। हाँ 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 वही तो लिखा है मेंडल ने किया था ना, ऐसा मेंडल का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो मेंडल ने किया था, विशाल क्या नाम था पता नहीं, मौलिक ही था क्या, जो भी, तो विशाल जी आप समझो मेंडल ने जो किया मैं वही बता रहा हूँ, सेल्फिंग किया था ठीक है। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, प्लीज नोट कर लो इसको, फिनोटाइपिक रेशियो को नोट कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो। फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, तीन टॉल और एक ड्वार्फ। और एक सवाल पूछता है भाई कि जीनोटाइपिक रेशियो बता दो, जीनोटाइप का रेशियो क्या है। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक रेशियो, जेनेटिक मेकअप। तो अगर पूछे जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ओ भाई जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो देखो ये है क्या, इसका जेनेटिक मेकअप क्या, कैपिटल टी है, कितना है ये, एक ही है। ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम जेनेटिक मेकअप है। कितना प्लांट है ऐसा, दो, तो हमको मिल गया दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी ये तो अलग जेनेटिक मेकअप है, ये हो गया 1:small t/small t। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2, 2:1, दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आर यू गाइस क्लियर, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभार सवाल पूछता है कि मान लो कि देखो आप मुझे क्या मिला, कैपिटल टी आंखों से क्या दिख रहा है, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी आंखों से क्या दिख रहा है, टॉल। तो मुझे तो अगर मुझे आंखों से एक टॉल प्लांट दिख रहा है ठीक है, मैंने देखा है कि एक टॉल प्लांट है, तो भाई अगर ये टॉल प्लांट है तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये होमोजाइगस वाला टॉल है या हेट्रोजाइगस वाला टॉल है, क्योंकि मुझे बाहर से थोड़ी दिखेगा वो कैपिटल टी ऐसा तो नहीं दिखेगा मुझे, मुझे दोनों टॉल दिख रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे पता करूं कि क्या ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। तो उसके लिए एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करेंगे हम लोग। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, हेडिंग डाल लेना टेस्ट क्रॉस, देखो पता चल जाएगा टेस्ट क्रॉस से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हम लोग जब उस प्लांट को, जो टॉल प्लांट निकल गया बच्चों में, अब मुझे पता नहीं वो बच्चा का जो टॉल है वो होमोजाइगस वाला टॉल से है हेट्रोजाइगस वाला टॉल से है, मुझे तो नहीं मालूम वो कौन सा टॉल है, तो मैं क्या करूंगा टेस्ट क्रॉस में, आई विल मेट इट विथ रिसेसिव पेरेंट, उसके
माँ के साथ ही शादी करा दिया उसका, वो जो पापा मम्मी में डोमिनेंट रिसेसिव था ना, तो रिसेसिव पेरेंट के साथ शादी करा दिया उसका, ये पता करा। प्लांट में ये सब कर सकते हैं, प्लांट एनिमल में चलता है, हम लोग सभ्यता वाले जानवर है तो हम लोग माता बहन कजिन ये सब का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये तो प्लांट है ना, प्लांट में हम लोग करा सकते हैं शादी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट, दिस इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब है मेटिंग विद द रिसेसिव पेरेंट। अब देखो मेटिंग विद द रिसेसिव पेरेंट, देखो क्या हो रहा है। जैसे या तो टॉल में ये होगा या फिर टॉल में ये होगा, अब मुझे मालूम नहीं क्या है, तो मैंने क्या किया, मैंने रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करा दिया, मैंने रिसेसिव वाले के साथ इसका क्रॉस करा दिया, तो क्या होगा, देखो गैमिट आएगा इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी, इसमें आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, गैमिट इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें आएगा स्मॉल टी क्रॉस कराने के लिए। अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके बच्चों को मैं ऑब्जर्व करके बता दूंगा, अच्छा जो पापा में मैंने लिया था ना वो डोमिनेंट है, वो हेट्रो जाएगा से या होमो जाएगा से, मैं पता कर लूंगा। देखो कैसे, ये मिलके हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलके भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलके हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलके भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, अच्छा ये और ये मिलके हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलके हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलकर के हो गया स्मॉल टी, ये और लास्ट वाला मिलके हो गया स्मॉल टी। अभी ध्यान से मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा खिचड़ी हो गया, ध्यान से देखो। इस वाले केस में जितना भी बच्चा हुआ वो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैसा दिखेगा, वो टॉल दिखेगा, ऑल टॉल, ऑल टॉल, सब टॉल है। इस वाले केस में देखो, ये तो टॉल है भाई, नो प्रॉब्लम, ये भी टॉल है भाई, नो प्रॉब्लम, ये तो स्मॉल टी, ये तो ड्वार्फ हो गया, ये भी स्मॉल टी, ये तो ड्वार्फ हो गया, मतलब यहाँ पे मुझे 50% टॉल दिख रहा है कि नहीं, 50%, चार में से दो टॉल मतलब कितना, 50%, थोड़ा बहुत मैथ्स आना पड़ेगा भाई, चार में से अगर दो टॉल है तो उसका मतलब 50% टॉल आया, और यहाँ पे तो 100% टॉल आ गया। अगर बच्चे में 100% टॉल आता है तो टेस्ट क्रॉस से मैंने पता कर लिया, ठीक है, कि वो, अभी मुझे पता नहीं था कि ये कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी है, मैंने क्या किया रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद अगर मैं देखता हूं कि अच्छा चारों का चारों बच्चा क्या है, टॉल है, तो मैं बोलूंगा कि ये कैपिटल टी वाला टॉल था, वो जो हमको पता नहीं था ना, वो कैपिटल टी वाला था। फिर मैं अगर क्रॉस कराने के बाद ये देखता हूँ कि 50% बच्चा टॉल हो रहा है, 50% नाटा हो रहा है, ड्वार्फ हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा अच्छा 50% टॉल हो रहा है, 50% तो नहीं हो रहा ना, तो मैं बोल दूंगा कि ये भाई क्या है, ये टेस्ट क्रॉस से मैंने क्या पता कर लिया, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, मतलब इसमें ड्वार्फ कैरेक्टर वाला भी टॉल वाला कैरेक्टर है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है ये। ये था बच्चों टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस इसलिए कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, जब तुमको जीनोटाइप मालूम ना हो तो तुम रिसेसिव पेरेंट के साथ जाकर के आइडेंटिफाई कर दो। ड्वार्फ में वो प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों ड्वार्फ में प्रॉब्लम, अरे नाटा प्लांट तो नाटा ही होगा ना, नाटा प्लांट तो स्मॉल टी होगा, टॉल हुआ तो अब वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, मुझे तो नहीं मालूम, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मेरा तरीका ये है, मैं पता कर दूंगा ऐसे, यही था। अच्छा अब एक और चीज है बताने के लिए बता रहा हूं, जैसे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था उसका नाम था पानेट, उसने एक मेथड दिया था पानेट स्क्वायर मेथड, ये हम लोग एग्जाम वगैरह में यूज करने से जरा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। पानेट स्क्वायर मेथड क्या है ना, जो मैंने अभी ऐसा लाइन बना बना के दिखाया ना, थोड़ा खिचड़ी हो जाता है। पानेट स्क्वायर बोलता है कि बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी का तुमको क्रॉस कराना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसका गैमिट देख लो, इसका गैमिट तो कैपिटल टी है, इसका गैमिट तो कैपिटल टी है, इसका स्मॉल टी है और इसका स्मॉल टी है, तुम क्या करो पनेट स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर बॉक्स बनाओ, तुम क्या करो एक स्क्वायर बॉक्स बनाओ, उसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर बॉक्स। देखो कैसे, क्या करोगे तुम, एक बॉक्स बनाओगे ऐसा, गैमिट क्या क्या था, एक था कैपिटल टी, एक था कैपिटल टी, एक पापा वाला साइड लिख लो और एक मम्मी वाला साइड ले लो, स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला, ठीक है, इनका बीच में क्रॉस करा दो। अब क्या करोगे, ऐसे करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका और इसका मिलकर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका और इसका मिलके क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका और इसका मिलके क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पानेट का कहना था, एक कुछ नहीं है, वही रिजल्ट आएगा। देखो तुम जीनोटाइपिक रेशियो निकालो, फिनोटाइपिक जो भी निकालना चाहते हो तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब बस एक बॉक्स के अंदर चीजें फिक्स हो गई है, बस और कुछ नहीं, एक बॉक्स के अंदर भी सिर्फ चीजें जो है वो फिक्स हो गई है और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। चलो अब मतलब मेंडल की थोड़ा बहुत लॉ की बात करते हैं। हेडिंग डाल देना मेंडल्स लॉज, ये आता है हाँ तुम्हारे बोर्ड्स में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट पूछेगा वर्ड
व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, समझ समझा तो मैं दूंगा बट तुमको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, वो भी याद रखना, तो लॉस को सही से याद रखना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमको ऑल टोटल तीन लॉ पढ़ना है, फिलहाल हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, तीसरा लॉ हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद तीसरा लॉ पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, पहला और दूसरा लॉ मोनोहाइब्रिड के रिलेटेड में ही हम लोग रेस्पेक्ट में हम लोग समझ सकते हैं। নাই মই যাম অলপ পিছত যাম, ৰবা ৰবা এতিয়া কথা ক'ব নোৱাৰো হা, মই নালাগে লৈ আহিবা, মই গৈ থাকিম, তোমালোক গৈ থাকা, চলো। দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ল অফ ডমিনেন্স, ল অফ ডমিনেন্স, অ'কে, হোৱাট ইজ দিছ ল অফ ডমিনেন্স, হোৱাট ইজ দিছ ল অফ ডমিনেন্স, লিখো, ল অফ ডমিনেন্স ইজ ইউজ টু এক্সপ্লেইন, तुमको पता है भाई डोमिनेंस मतलब क्या, डोमिनेंट जो कर रहा था वो, देखो देखो क्या बोलो, इट इज यूज्ड टू, मैं समझा दूंगा डोंट वरी, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, पहले लिख लो, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स, ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जल्दी जल्दी लिखो, law of dominance ka matlab hai, it is used to explain, law of dominance used to explain the expression of only one of the parental traits, one of the parental traits, theek hai, in the monohybrid cross in the f1 generation, samajh rahe ho, yaad karo, parent jab hum log ne liya tha capital t aur स्मॉल टी तो उनका जो फर्स्ट जेनरेशन में जो बच्चा आ रहा था उसमें हर बच्चा एवरी वन ऑफ देम वाज टॉल, जहां पे सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो टॉल वाला कैरेक्टर था टॉलनेस यही एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, दिस वाज द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस वाज व्हाट, दिस वाज द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ क्या है मेंडल का, सेकेंड लॉ जो है मेंडल का वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो तुम लोग लिख लेना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है सेपरेशन, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये क्या कहना चाहता है कि द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट in an individual do not get mixed up, बता रहा हूं क्या है, do not get, क्या बोला, the two factors of a character present in an individual do not get mixed up, mixing के लिए हम लोग genetics में एक और term use करते हैं blending, blending का मतलब mixing ही होता है, तो तुम लोग ये अंग्रेजी शब्द में अटक सकते हो इसलिए मैंने बता दिया, mixed up, do not get mixed up and both the traits are recovered in F2 generation. Second generation में तुमने dwarf भी देखा था, first generation में dwarf नहीं आया था लेकिन second में dwarf आ गया था, वही बात बताया जा रहा है, इसको हम लोग law of purity of gamete भी कहते हैं, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, देखो गैमिट सेपरेट हुआ था टीटी से, एक टी अलग दूसरा टी अलग और फिर बाद में वो लोग जो भी बनाया था, ठीक है, यहाँ पे ये प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा गया पहले ये समझा देता हूँ, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब है देखो पेरेंट था टॉल ड्वार्फ, इनके बच्चे हुए टॉल हुए हाँ, जो पेरेंट का ही कैरेक्टर है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में तीन टॉल हुआ और एक ड्वार्फ हुआ, टॉल भी वो पेरेंट का कैरेक्टर है, बाप का कैरेक्टर था, ड्वार्फ माँ का कैरेक्टर था, मतलब दादी माँ का कैरेक्टर था, दादाजी का कैरेक्टर था, वही है यहाँ पे बोला है, ब्लेंडिंग नहीं दिखाता है, मिक्सिंग नहीं दिखाता है कैरेक्टर का, ऐसा नहीं हुआ कि टॉल और ड्वार्फ मिलके कोई मीडियम हाइट का बन गया कि ना तुम्हारा ना मेरा, हम लोग मिलजुल के काम करते, चलो मुझे डोमिनेंट नहीं होना है, मैं तुम्हारे साथ डील करता हूं, तुम नाटा भी नहीं होगा मोटा भी नहीं होगा, बीच का कुछ रखते, ये नहीं हुआ ना, ये हुआ था क्या एक्सपेरिमेंट में, हमने देखा क्लियरली, या तो टॉल हो रहा है या फिर ड्वार्फ हो रहा है, सीधा सीधा बात है, या तो टॉल हो रहा है या फिर ड्वार्फ हो रहा है, मतलब नो ब्लेंडिंग व्हाटसोएवर, no blending whatsoever, no mixing whatsoever, this is what we call as the law of segregation or law of purity of gamete, gamete ka purity maintain tha, jo tall tha uske bacche tall hi hue, jo dwarf tha uske bacche dwarf hi hue,
क्या ये चीज हर जगह होता है? नहीं होता। इसका एक्सेप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक्स में बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम लोग जेनेटिक्स में। ये तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक मैंने खत्म कर दिया। अब मेरे पास 3 से 4 मिनट ही है, आज का लेक्चर मुझे खत्म करना पड़ेगा, मुझे एक जगह जाना भी है। तुम लोग ने खुद भी शायद नोटिस किया होगा मुझे बुलाया गया था, ठीक है। सो वी हैव अराउंड 3 मिनट्स, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैं 3 मिनट हूँ आपके साथ, 3 से 4 मिनट हूँ आपके साथ। बताओ, इफ देर इज एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। There are certain exceptions. We will talk about the exceptions in the next class. ठीक है, but यहाँ तक clear होना चाहिए। Genetics का मुझे up to date चाहिए तुम लोगों से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग ने सर मैंने last class का पढ़ा नहीं। That is not allowed here. हाँ, segregation वाला मैंने ये कहा अंशुमन कि segregation को law of purity of gamete भी बोलते हैं। यहाँ पे ये कहना है कि gamete जो है वो blending show नहीं करता। Blending मतलब mixing नहीं होता। ऐसा नहीं है कि काला और गोरा ने शादी किया, मतलब पी प्लांट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, हाँ, कि टॉल और ड्वार्फ का शादी हुआ तो टॉल और ड्वार्फ का अगर मिक्सिंग हो जाता, मान लो कि अगर काला और गोरा का मिक्स होता है तो ब्राउन टाइप का कुछ निकल के आता है ना, तो वो तो मिक्सिंग हो गया, राइट। ये चीज प्लांट पी प्लांट में देखा नहीं गया। पी प्लांट में अगर टॉल और ड्वार्फ का मिक्सिंग होता तो बीच का कुछ होता ना, मिक्स कर दिया मैंने कैरेक्टर, मैंने बोला शॉर्ट का आधा कैरेक्टर ले लो, टॉल का आधा कैरेक्टर ले लो, तो क्या होगा, कुछ टॉल शॉर्ट बनेगा, मतलब मीडियम हाइट का कुछ बनेगा। ये लंबा है, ये नाटा है, ये थोड़ा अपना कैरेक्टर दिया, अपना दिया, मीडियम हाइट का प्लांट बनना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहना चाहता है कि ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग होता नहीं है, गैमिट प्योर है, प्योरिटी ऑफ गैमिट इज मेंटेन। जो बाप माँ का था वही हुआ। बाप टॉल था, माँ ड्वार्फ था, सारे बच्चे टॉल हुए। फिर नेक्स्ट जनरेशन में दादाजी टॉल था, दादी माँ ड्वार्फ था, तो सारे बच्चे या तो तीन बच्चे टॉल हुए, तीन पोता जो था वो टॉल हुआ दादाजी जैसा हुआ, और एक पोता दादी जैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो इट वॉज मेंटेन, दैट इज द लॉ ऑफ purity of gametes, that is we call as the law of segregation. यही था अंशुमन। आगे हम लोग exception की बात करेंगे, exception की बात करेंगे, बहुत कुछ है सीखने को। और उसके बाद क्या try करूंगा मैं, इस week को ही खत्म हो जाए, इस week को ही खत्म हो जाए, ताकि तुम लोग अगस्त तक पूरा जूलॉजी तो हो जाए ना, वही तो target है। Okay, हाँ, ये क्लासेस चलता रहेगा पैरेलल। जो मैंने रिवीजन बैच की बात की थी, तुम लोगों से भी बहुत लोग आए थे, तो रिवीजन बैच विल स्टार्ट ऑन अगस्त 1, वो तो चलता ही रहेगा, वो डेली बेसिस पे होगा, और ये पैरेलल चलेगा। जैसे हम लोग थर्सडे सैटरडे ट्यूसडे ऐसा क्लासेस करते ना, ये पैरेलल चलता रहेगा, तो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। हा? तो एक बात मैं और क्लियर कर दूं, वो बैच और इस बैच का कुछ लेना देना नहीं है। किसका डिसएडवांटेज बोलूं, किसका किसका डिसएडवांटेज? पी प्लांट का। अरे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे क्या एडवांटेज था इसलिए, तो क्या डिसएडवांटेज होता तो थोड़ी करता। तुम सवाल या तो पूछ नहीं पा रहे हो या मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछना चाहते हो। डिसएडवांटेज कैसे है पी प्लांट का? मेंडल, मैंने तो पढ़ा है एडवांटेज है पी प्लांट का, एडवांटेज उसको यूज करने में फायदा हुआ मेंडल का, डिसएडवांटेज नहीं है। अरे गार्डन के रेस्पेक्ट में हम क्या बताएं, वो कोई गार्डन वाला से पूछ लो, वो तुमको, तुम अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हैं पी प्लांट का तो हो सकता है डिसएडवांटेज मिले, मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो नहीं करता हूँ ना, मुझे जेनेटिक्स में फायदा है, तो दैट्स इट। ओके, चलो वी विल एंड दिस मीटिंग राइट नाउ, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, थर्सडे को होगा, अभी से क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे।